हेलो फ्रेंड्स, आज आपके सामने एक नया ट्यूटोरियल एमएस वर्ड का प्रस्तुत होने जा रहा है और यह एमएस वर्ड का सबसे हॉट टैब आप इसको बोल सकते हैं, जो कि रेफरेंस टैब के नाम से जाना जाता है। और इस टैब का प्रयोग एक स्टूडेंट लेवल पर कम किया जाता है, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये जो टैब है, ये इसका अगर आप क्रिया विधि जान जाएंगे, इसे काम करने का तरीका जान जाएंगे, तो आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट इसी टैब में मिलेगा। सबसे बेहतर टैब आपको समझ में आएगा, चाहे वो टेबल ऑफ कंटेंट हो और चाहे वो फुटनोट हो, साइटेशन हो, या आप टेबल ऑफ फिगर की बात करिए, मार्क एंट्री की बात करिए, ये जितने भी हैं, ये सब जो आप देख रहे हैं, यहाँ से लेकर टेबल ऑफ कंटेंट से लेकर इंसर्ट फुटनोट और साइटेशन, बिब्लियोग्राफी, कैप्शन, इंडेक्स, टेबल ऑफ अथॉरिटी, ये देखने में टफ लगते हैं, लेकिन बहुत ही मजेदार इन टैब का कार्य है और ग्रुप का कार्य है। और ये जो रेफरेंस टैब है, ये बहुत ही बेहतर टैब है। हमें तो सबसे अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग टैब लगता है पूरे एमएस वर्ड का, यही एक टैब है जो जिसमें इंटरेस्ट होता है, जो यूनिक चीजें प्रोवाइड करता है। और रेफरेंस टैब एक ऐसा टैब होता है जो एमएस ऑफिस पैकेज में केवल एमएस वर्ड में ही पाया जाता है। मतलब इसके कोई भी ऑप्शन किसी अन्य पावर पॉइंट या एक्सेल में नहीं पाए जाते। ये एक यूनिक क्वालिटी है इसका, जो केवल एमएस वर्ड में ही पाया जाता है, चाहे वो टेबल ऑफ कंटेंट्स हो, फुटनोट हो, साइटेशन हो, कैप्शन हो, इंडेक्स हो, टेबल ऑफ अथॉरिटी हो। बहुत ही सारे ऑप्शन, जितने भी ग्रुप देख रहे हैं, हर ग्रुप के बारे में मैं एकदम डिटेल में आपको बताऊंगा और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, ये मेरा आपसे पूरा क्लियर आपको वादा है। और अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। और पूरा पूरा हर एक एप्लीकेशन आपको, अभी एमएस वर्ड चल रहा है, इसके बाद एक्सेल, पावर पॉइंट, टैली, सबके नॉलेज आपको दिया जाएगा, एचटीएमएल, वेबसाइट डेवलपमेंट, सब कुछ इंक्लूड रहेगा, बहुत बेहतर ढंग से आपको प्रोवाइड किया जाएगा और सरलतम में समझाया जाएगा। अभी रेफरेंस टैब ही आप पूरा ट्यूटोरियल इसको अवश्य देखिए, कहीं भी स्किप मत करिएगा, आप देखिए ये पूरा रेफरेंस टैब से आपको खुद एक लगाव हो जाएगा और आप कहोगे कि नहीं, सबसे बेहतर ये टैब है। और इस टैब में हम स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें आपको, बेसिक चीजें बता दें जिसके बारे में लोगों में कंफ्यूजन रहता है, वो बेसिक चीजें पहले आप जान जाइए कि एक तो जब भी आप कोई, मैंने ये चीज आपको बता रखा था कि आप रैंड लिखकर इंटर मारिए, पैराग्राफ आ जाता है। ये देखिए तीन पैराग्राफ आया है, कंट्रोल जेड करिए, हट जाएगा। हम चाहते हैं रैंड लिखकर इंटर मारे, केवल दो पैराग्राफ आए, तो लिखिए रैंड रैंड और यहाँ लिखिए टू टू पैराग्राफ। हर एक पैराग्राफ कितने लाइन का हो? छह छह लाइन का हो। अब देखिए, समझ में आया आपको? सॉरी, हर एक पैराग्राफ कितने लाइन का हो आपका? छह छह लाइन का हो। रैंड लिखकर आपको लिखना है टू और सिक्स। ये जो टू है वो शो करेगा कि दो पैराग्राफ ड्रा करिए, और सिक्स है कि हर पैराग्राफ में कितनी लाइनें होनी चाहिए? छह लाइनें होनी चाहिए। बहुत ही बेहतर कमांड देता है रैंड। ये देखिए, दो पैराग्राफ तैयार हो गया और सब में सिक्स सिक्स लाइन है। पहली चीज तो ये क्लियर कर लीजिएगा, इसका प्रयोग हम बार बार करते हैं, आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये फंक्शन कहाँ से आ जा रहा है। दूसरी बात एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब आप कोई चीजें लिखते हैं, जैसे रैंड एक पैराग्राफ, अब हम आपने कोई भी चीज लिखा, लिखकर अब यहां से अगर आप जब इंटर मारते हैं, तो इंटर मारने में पैराग्राफ चेंज होता है, लाइन नहीं चेंज होता। फिर देखिए, हम लिखते हैं रैंड रैंड, अब आपको अंतर भी दिखा देता हूं, पैराग्राफ और लाइन में 1.3, सॉरी 1.3, ये देखिए। अब देखिए इस पैराग्राफ में, इस पैराग्राफ में लाइन में अंतर है। अब अगर हमें पैराग्राफ नहीं चेंज करना, हमें केवल लाइन चेंज करना है, तो आपने कुछ लिखा देयर आर, सो एक तो अगर आप कर्सर किनारे पहुंचेगा तो लाइन अपने आप चालू हो जाएगी, सो मेनी स्टूडेंट्स इन माय यू यू, चलिए चैनल अपने आप चेंज होगी, और यूट्यूब चैनल में यू आर सो, अब देखिए अपने आप चेंज होगा, ज्वाइन, देखिए अपने आप, इसको चेंज नहीं किया गया, इन दिस
देखा आपने अपने आप। अब हमें मान लीजिए लाइन यहीं से चेंज, पैराग्राफ नहीं चेंज करना है, इंटर दबाएंगे पैराग्राफ चेंज हो जाएगा। आपको लाइन चेंज करनी है तो आप यहां सिंपल सा शिफ्ट दबाइए इंटर। अब देखिए कोई स्पेस नहीं बढ़ेगा, कोई स्पेस नहीं बढ़ेगा, आप देख लीजिए स्पेस नहीं बढ़ा क्योंकि लाइन चेंज हुआ। क्लियर, पहला चीज। अगर आपको नया पेज लाना है तो आप यहां इंसर्ट में जाकर ब्लैंक पेज कर सकते हैं, वरना बार बार वहां जाना पड़ेगा। कमांड याद रखिए कंट्रोल प्लस इंटर, नया पेज आ जाएगा। कंट्रोल जेड कर देंगे वापस, फिर वहीं पहुंच जाएंगे। बात समझ में आ गई होगी आपको, इतनी चीजें क्लियर हो गई ना। चलिए ठीक है, अब हम रिफ्रेश टैब चालू करते हैं। आप देखिए मेरा वादा है आपसे बहुत अच्छे समझ में आएगा, इतना अच्छा आप पहले कभी नहीं महसूस किए होंगे इस टैब के बारे में जो आज आप महसूस करेंगे। तो फर्स्टली आप एक काम करते हैं, हम लोग ना कि एक पहले कुछ इसके बारे में आइडिया लेते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे किताब टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है, जैसे किताब आपने कोई किताब पढ़ा होगा, किताब पढ़ने से पहले देखिए टेबल ऑफ कंटेंट बना होता है कि एमएस वर्ड इस पन्ने पर, पावर पॉइंट इस पन्ने पर, एमएस एक्सेल इस पन्ने पर, इंटरनेट इस पन्ने पर, कौन सा टॉपिक किस पेज नंबर पर है, वो टेबल ऑफ कंटेंट में किताब के पहला पन्ना होता है कंटेंट पेज नाम से। याद आया आपको? बिल्कुल याद आया। तो ये वही है, ये वही है। अब आइए फुटनोट, किताब या अक्सर हम लोग केमिस्ट्री फिजिक्स या किसी बुक्स के लास्ट में देखते हैं कुछ शब्द के बारे में एक्स्ट्रा चीजें लिखी रहती हैं, उसे वो किताब के लास्ट में लिखा होता है तो उसे इंड नोट कहते हैं, हर पेज के नीचे लिखा होता है उसे फुट नोट कहते हैं। आइए इधर, जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं या हमने कोई किताब किताब छापा या कोई नॉवेल को राइट किया तो हम लास्ट में श्रेय देते हैं या हम बताते हैं कि हमने इस बुक्स को या इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में कहां कहां से मदद लिया, किस किस बैग से पूछा, कहां उसके लिए हम, और वो लिस्ट प्रदर्शित करने के लिए हम साइटेशन और बिब्लियोग्राफी का प्रयोग करते हैं। पहले मैं बता रहा हूं इसके क्या क्या चीजें हैं। ये इंसर्ट कैप्शन क्या है, अगर आपने आपके किताब में कई फिगर हैं और हर फिगर का आप टेबल ऑफ कंटेंट की तरह टेबल ऑफ फिगर बनाना चाहते हैं तो इसका प्रयोग करते हैं। जैसा टेबल ऑफ कंटेंट होता है वैसा ही अलग डिजाइन में इंसर्ट इंडेक्स भी होता है, मार्क एंट्री भी काम करता है और कुछ उसी टाइप का मार्क साइटेशन भी होता है, बस इसमें कैटेगरी वाइज दिखता है। क्या कैटेगरी वाइज होता है भी आपको हम आगे बताएंगे। इतना क्लियर हो गया ना, ये डिफिनेशन था। अब हम बारी बारी यहां से स्टार्ट करेंगे और यहां पर एंड करेंगे। वीडियो लंबी हो सकती है, कहीं स्किप मत करिएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण टैब जिसको देखने पर स्टूडेंट्स डर जाते हैं, करने का उनको मन नहीं करता, सोचते पता नहीं ये क्या क्या दिया हुआ है। आज बहुत ही सरल होने वाला है आपके लिए। तो पहले हम एक हेडिंग ले लेते हैं, कंप्यूटर यहाँ डाल देते हैं, स्कॉल टू आर ए एन डी रैंड, और रैंड को यहाँ कर लेते हैं दो पैराग्राफ, हर पैराग्राफ तीन लाइन के, ठीक ये हमने बनाया। हर पर वही लिखा जाए अच्छा नहीं लगेगा, कंट्रोल सी से कॉपी। चलिए यहाँ पर क्लिक करते इंटर, सॉरी कंट्रोल प्लस इंटर दबा दीजिए, नया पेज आ गया, कंट्रोल वी पेस्ट हो गया। हेडिंग बदल दीजिएगा, हेडिंग बदल दीजिए, वो कंप्यूटर था इसे कर दीजिए नेटवर्क, ठीक। और फिर यहाँ चलिए कंट्रोल इंटर, अगला पेज आ गया, फिर कंट्रोल वी कर दीजिए, पेस्ट कर दे रहा हूँ भाई शॉर्टकट से, और इसे हमने कर दिया, आजकल बहुत ही प्रचलन में है, ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कराने वाला भी यही है कोरोना, ठीक है। तो हमने कर दिया, ठीक है, तीन हमने ले लिया। अब चाहिए तो इसे अलग अलग कलर में भी कर सकते हैं, कलर इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, रेड कर दिया, पीला के साथ ऐसा कुछ कर सकते हैं, इसे भी कुछ अलग रेड येलो के साथ, इसे भी कुछ अलग रेड येलो के साथ, ठीक है। अब हमें ऊपर एक पेज स्पेस चाहिए, इतना तो आप आसानी से कर लेंगे, चाहे अब कॉपी पेस्ट करके बहुत आसानी से ये सब कर लेंगे, एकदम बेसिक चीजें हैं। अब यहाँ पर रख कर चाहे यहाँ इंसर्ट पेज में जाइए, ब्लैंक पेज कर लीजिए या कंट्रोल प्लस इंटर दबा दीजिए, एक नया पेज आ गया, क्योंकि अब हम टेबल ऑफ कंटेंट देखने का वक्त आ गया, हो गया। अब टेबल ऑफ कंटेंट के लिए पहले क्या करना पड़ेगा आपको, एक पेज ने ऊपर खाली छोड़ लिया, जो पहली हेडिंग है कंप्यूटर इस पर क्लिक करिए और टेक्स्ट में चलिए, इसमें से कोई भी एक लेवल याद रखिएगा, जो लेवल रखिए वही सब में डालिए, मान लीजिए लेवल टू, अब ये सब में रहेगा, अलग अलग देंगे तो बड़ा छोटा देखिएगा, लेवल टू,
लेवल टू। क्लियर आई, काम खत्म। देखा ना कितना प्यारा था। अब केवल आप कंटेंट में चाहिए। अब यहां आप डिजाइन दिया है, ये डिजाइन लेंगे, ये डिजाइन लेंगे, ये ले लिया, ये देखिए जबरदस्त ढंग से आपके कंप्यूटर के बारे में दिया है पेज नंबर 2 पर, नेटवर्क के बारे में दिया है पेज नंबर 3 पर, कोरोना के बारे में दिया है पेज नंबर, एक पल देख नहीं सकते आप, यहाँ पहुंच भी सकते हैं आप, कंट्रोल करके कोरोना पर क्लिक करिए, दो दो बार क्लिक कर दीजिए आप, थोड़ा समय लेता है ये पहली बार जाने में, लेकिन कुछ देर में ये आपका देखिए पहुंच गया, सीधे कोरोना पहुंच गया। ये 3 पेज था, 300 पेज रहता तो भी पहुंच जाता, ये बहुत जबरदस्त है। इन सभी इंटरव्यू में एक चीज आपको हर जगह दिखेगा, अपडेट। देखिए अपडेट 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 अपडेट, इसका यूज मैं यहीं पर बता दे रहा हूँ, वही काम ये सब में करता है। जैसे आपने ये बना रखा, अब हमें कोई और भी एक पेज लेनी थी, एकदम लास्ट में चलिए इसके बाद भी कोई पेज लेना था, एक और नया पेज हम बना लेते हैं, ठीक है, और इसका नाम डाल देते हैं, इस पेज का नाम क्या डालते हैं हम लोग, हाँ, इनपुट इनपुट डिवाइस, ये पेज ले लिया, इसे भी सिलेक्ट करिए, ऐड में चलिए लेवल 2 कर दीजिए। अब अपडेट का मतलब ये होता है कि अब इस टेबल हम चाहते हैं ये वो भी अपडेट होके आ जाए, अपडेट टेबल, देखिए लगता नहीं हो गया, हो पाया, अपडेट इंटायर टेबल करिए, ये देखिए आ गया ना इनपुट डिवाइस पेज नंबर 5 पर, ये मैंने जानबूझ कर नहीं डाला था ताकि आपको अलग से दिख सके, ये अपडेट हो गया। टेबल आप कंटेंट पोर्ट तक खत्म, हर किताब के पहले पन्ने पर दिया होता है, लेकिन ये किताब से भी बेहतर है क्योंकि वहां पेज खोलना पड़ता है, यहाँ क्लिक कर दीजिए सीधे आप वहां पहुंच जाएंगे। अब चलिए ये खत्म हो गया, अब हम देखते हैं इस पर आइए, इंसर्ट फुटनोट, पहले इंसर्ट फुटनोट भी दिया, एंड नोट भी दिया, नेक्स्ट फुटनोट अगले नोट पर जा सकते हैं, वो कोई बात नहीं, 2 फुटनोट बनाया आप, फुटनोट 1 से फुटनोट 2 पर जा सकते हैं। अब इंसर्ट फुटनोट में अगर मुझे इस टेक्स्ट के बारे में या गैलरी गैलरी के बारे में कुछ लिखना है तो हम पेज के नीचे लिख सकते हैं, एक एक ऑप्शन में, बस देखिए इंसर्ट फुटनोट किया, ये देखिए यहाँ पन के आगे, ये देखिए आपको दिख रहा है, और यहाँ हम लिख सकते हैं कुछ भी, दिस इज द फोटो एल्बम, दिस इज द फोटो एल्बम, ये हमने लिख दिया छोटा, दिखेगा आपको दिस इज द फोटो। अब किसी और के बारे में भी लिखना है, जैसे चार्ट, इस चार्ट के बारे में आपको, चार्ट दिख रहा है आपको, ये देखिए चार्ट के बारे में अगर आपको कुछ लिखना है तो आप यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग चलेंगे इंसर्ट फुटनोट, ठीक है, यहाँ पर आ गया, जूम किया है मैंने और ताकि आपको अच्छे दिखाई दे, और यहाँ पर आप हम लोग ले सकते हैं दिस इज द, दिस इज द ग्राफिकल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ओके, ये देखिए आ गया। अब यहां पर आप देख भी सकते हैं, जैसे अब आपको कहीं कंफ्यूजन हो, चार्ट 2 के सामने देखिए 2 दिखाई दे रहा है, गैलरी के सामने 1 दिखा, मतलब गैलरी के सामने अगर 1 दिखे तो जान जाइए इस गैलरी के बारे में नीचे दिया गया है, ये इसका मतलब होता है कि गैलरी के बारे में अगर 1 दिख गया तो मतलब गैलरी के बारे में नीचे दिया गया है, ये इसका मतलब होता है। अब अगर गैलरी के बारे में जानना हो तो गैलरी और ये यहाँ दिख जाएगा, बस ये था आपका, ये आपका था फुटनोट। अब अगर आपको एंड नोट देना है तो वो पेज के सबसे अंतिम पेज पर चला जाएगा, सबसे अंतिम पेज पर एंड नोट आता है, सबसे अंतिम पेज पर एंड नोट दिखेगा आपको। चलिए एंड नोट भी दिखा देते हैं हम लोग, इसमें से हम कुछ लेते हैं एंड नोट के लिए, जूम कर देता हूँ, मान लीजिए अब जैसे ये लुक, लुक के बारे में हमको लिखना है तो हमने लुक को आप सेलेक्ट करिए या क्लिक करिए, और ये है आपका यहाँ ये इंसर्ट एंड नोट, क्लिक कर दीजिए इंसर्ट एंड नोट पर, देखिए सीधे आप एकदम डॉक्यूमेंट के अंत में आए हैं। अभी आपको दिखा भी देता हूं मैं, यहां ले सकते हैं लुक मीन्स सी, देखा आपने, अब जो मटा देता हूं, ये देखिए
आपको पहले मैं यहां ले चलता हूं जिस पन्ने पर हमने लिखा है। ये रोमन अंक में दिखाई देगा क्योंकि ऑलरेडी वो आपको उसमें दिख रहा, ये दिख रहा है ना लुक के बगल में रोमन अंक में दिख रहा है वन। अब ये है कहां आपको कैसे जाने इसको, तो पेज के अंत में, अगर पेज के अंत में पहुंचना है शॉर्टकट कमांड जान लीजिए कंट्रोल कंट्रोल प्लस एंड, पेज के अंत में देखिए लुक मीन्स सी यहां आ गया, नहीं दिख रहा है? ये देख लीजिए लुक मीन्स सी, समझ में आ गया आपको? ओके ठीक है, ये था आपका, ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया ठीक है, और ये टोटल क्लियर हो गया। इसके बारे में सो नोट्स या क्या आपने लिखा है, व्यू फुट नोट एरिया, व्यू इंटरनेट फुट नोट एरिया कर देंगे तो क्या आपने लिखा है वो मतलब वहीं पर शो होने लगा कि जहां लिखा गया है, समझ गया आप? नेक्स्ट करेंगे अगले चला जाएगा, फिलहाल ये दोनों ही है तो अगला पिछला कुछ नहीं है ठीक है। चलिए ये पूरा आपका कवर हो गया, ध्यान से देखिएगा दो टैब कवर हो गया, ये दोनों टैब आपके पूर्णतः कवर हो गए हैं ठीक है ना। और यहां चलेंगे रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट, ये देखिए हमने हटा दिया चूंकि आपने कर लिया था तो हमने हटा दिया है ठीक है। अब ये दोनों कंप्लीट हो गए। अब देखिए मान लीजिए मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है, अभी तो नहीं हटाता हूँ, मान लीजिए हमने प्रोजेक्ट बनाया, ये किताब हमने बनाया है। अब इस किताब को बनाने के लिए हमने कई लोगों से मदद लिया, अब उनको हम धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं या उनको लिखना चाहते हैं, उसे ही बोलते हैं बिब्लियोग्राफी। तो बिब्लियोग्राफी आप तभी प्रदर्शित करेंगे पहले उस रिकॉर्ड की एंट्री आप इंसर्ट साइटेशन में करिए। चलिए इंसर्ट साइटेशन चलते हैं, ऐड न्यू सोर्स कर देते हैं। और मैंने मान लीजिए इसके बारे में किसी से इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू किसका लिया गया, मान लीजिए दीपक कुमार हैं, किस टॉपिक पर लिया गया, एमएस वर्ड पर लिया गया। इंटरव्यू लेने वाले कौन थे, मान लीजिए 2020 में लिया गया, महीना जैन, देन मंडे, कुछ भी दे सकते हैं आप। एक एंट्री आपकी देखिए कंप्लीट हो गई, फिर चलिए वहां आपको दिखेगी भी ये आपने कंप्लीट कर दी। ऐड न्यू सोर्स, हमने कोई वेबसाइट यूज किया या कुछ और यूज किया, कोई वेबसाइट या कुछ और यूज किए, आप देखिए आप यहाँ आप देखते हैं वेबसाइट ठीक है, वेबसाइट आ गया, वेबसाइट में आथर से कोई मतलब नेम ऑफ वेब पेज, नेम ऑफ वेबसाइट, वेब पेज का नाम डाल दीजिए, कौन सा वेब पेज है उसका नाम डालिए, जैसे मान लीजिए कुछ भी डाल देते हैं हम गूगल नेम ऑफ वेबसाइट www.google.com। ध्यान से देखिएगा ईयर 2020 मंथ जैन डे मंडे, अब फिर कब आपने एक्सेस किया 2020 फरवरी डे ट्यूजडे, और URL लिंक, लिंक होता है ना जैसे कि आपका www.google.com पब्लिक कुछ भी डाल दिया, MS पब्लिक वर्ड तरीका है जिस पर क्लिक करने पर वही डॉक्यूमेंट खुल जाए जो आपने सर्च किया था। ओके अब कुछ और भी कोई किताब का नाम डालना है, चलिए उसको भी कर लेते हैं एक एंट्री। अब चाहे जितना डाल लीजिए मर्जी आपकी है, तो आप तरीका जान ही गए होंगे, जरूरी नहीं कि सब डाला जाए, समय नष्ट ही होगा उससे। फिर भी एक बुक्स का देख लेते हैं, बुक बुक आथर का नाम क्या है, मान लीजिए आथर का नाम है टी बालाजी, टाइटल क्या है, टाइटल मान लीजिए हमने डाल दिया MS Word 2016, ईयर 2020, सिटी प्रयागराज, पब्लिशर आथर, आथर टी बालाजी में डालिए, आथर मान लीजिए हमने और पब्लिशर में डाल देते हैं टी बाला जी। एक एग्जाम्पल में आपको एक एग्जाम्पल है, आपने इसको सेव कर दिया।
काफी हो गए हैं। अब आपको दिखाना है अंतिम पेज में हम जहां पर दिए हैं, यहां से कंट्रोल इंटर मार दीजिए, लास्ट वाले पेज पर आप आ जाएंगे और यहां मार दे। अब यहां पर आपको दिखाना है बिब्लियोग्राफी, आप सीधे यहां पर चलिए, यहां पर चलिए और किसी पर अलग अलग ढंग से दिखा, इस पर क्लिक कर दीजिए, जो भी आपने मारा है, ये देखिए ये बिब्लियोग्राफी आपकी आ गई, जो जो अभी अब हमने इंटर किया कि हमने यहाँ यहाँ से इनको सर्च किया, इनका इंटरव्यू लिया, यहाँ से गूगल सर्च किया, ये किताब था जिसका प्रयोग किया। अब इस सोर्स को आप हमें बकरी बार यूज कर सकते हैं, इस सोर्स में किसी को हटाना है, जैसे आपको इसमें किसी को भी हटा देना है या हो कोई इससे पहले देखिए डाला गया है वो सब आप किसके पहले है। अब यहाँ दीपक को हटा देना है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, बट डायरेक्ट यहाँ से नहीं हटेगा क्योंकि आपको यहाँ से हटाइएगा, जैसे गूगल 2020 यहाँ चलिए और डिलीट कर दीजिए, यहाँ डिलीट होगा। अब यहाँ चलिए ऑटोमेटिक आपके हट जाते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं, कुछ और भी हटाना है जो भी आप यहाँ से हटाना चाहते हैं या यहाँ से सब करके पूरी पूरी डिलीट कर दीजिए, सभी डिलीट कर देंगे, डिलीट देखिए बहुत सारा डाला गया है पहले से, सब सेव होता चला गया है, डिलीट ठीक है, ऐसे बहुत सारा डाला गया है। तो जो हटा देंगे अब जैसे क्लोज, अभी अब हमें करना हो, अब यहाँ पर फिर से डालना हो बिब्लियोग्राफी, अब देखिए वो नाम नहीं मिलेंगे जो हमें जिस टाइप से मिल रहे थे, और वो आपके उसमें अभी एंट्री आपकी मिल रही है क्योंकि तुरंत वाले में आपकी है, और भी एंट्री आपको यहाँ से हटानी हो, ये तो आपकी तत्काल की करंट लिस्ट में है, एडिट कर सकते हैं यहाँ पर या कुछ और भी कर सकते हैं एडिट, इसमें कुछ चेंज करना हो गया, आपको लगता है आपसे गलती हो गई, इसमें लगता है कुछ चेंज करना हो गया, और इसका रिकॉर्ड ये मास्टर फाइल में आ गई है, अगर इसमें सारा रिकॉर्ड डिलीट करेंगे तो ये अपने आप डिलीट हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखिए, जो इसमें बहुत सारे रिकॉर्ड है, समय लगेगा डिलीट करने में, आप कर सकते हैं। बाकी आपको लगता है कि नहीं यार ये दीपक नहीं थे, यहाँ कोई और था एडिट, और ये दीपक नहीं है, मान लीजिए यहाँ पर मनदीप है, आप मनदीप कर दीजिए, ठीक है ओके। अब आप देखेंगे क्लोज करिए, अब हम लोग देखते हैं कंट्रोल जेड कर देते हैं, मान लीजिए ये हम लोग यहाँ से गए, और एक और ले लेते हैं, इसी में करने से अच्छा अब यहाँ चले तो अंतर भी देख लेंगे आप, हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे देखते हैं इंटरव्यू लेने वाले क्या नाम है, दीपक करके ही लता, अभी अपडेट नहीं हुआ वहां पर, यहाँ पर आपके आगे वरना वहां पर मनदीप हो जाएंगे, क्योंकि करंट लिस्ट में आपने क्या डाल दिया है ये अभी देखिए दीपक ही दिख रहा है जो प्लस पड़ा हुआ है, अभी इसको आपकी करंट लिस्ट में आ जाएंगे तो ये चेंज हो जाएगा आपका, मतलब कोई भी लिस्ट चेंज करना हुआ कुछ भी करना हुआ तो आप यहाँ जाएंगे, ये देखिए दीपक ही दिख रहा था, फिर से हम लोग यहाँ क्लिक करते हैं एडिट करते हैं, यहाँ जो दीपक है उसे कर देते हैं मनदीप हो गया क्लोज, देखें ये देखिए मनदीप दिख रहा। अब अगर आप इंटर करेंगे, अब आपको बता दें जैसे आपने यहां इंटर किया, जैसे अब हम लोगों ने यहां इंटर किया इंसर्ट, आपके यहां चले गए बिब्लियोग्राफी, यहां इंटर किया, अब देखिए इंटरव्यू लेना यम आ गया ना, यम फॉर मनदीप, दीपक आपके हट चुके। इस तरह से कुछ भी करना है आप कर सकते हैं, इसकी स्टाइल कुछ चेंज करनी हो तो यहां स्टाइल में चले जाइए, कुछ कुछ आपको देखिए अलग स्टाइल हो गया ना, ये देखिए अलग स्टाइल हो गया ना, स्टाइल चेंज करनी हो तो स्टाइल में जाकर चेंज कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शन खत्म हो गए। ध्यान देखिएगा रेफरेंस टाइप के तीन महत्वपूर्ण ग्रुप, टेबल ऑफ कंटेंट, फुटनोट, साइटेशन, बिब्लियोग्राफी, पूर्णतः हर एक ऑप्शन बता दिए गए, कोई भी नहीं छोड़ा गया इसमें, ठीक है तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए यहाँ कर लेते हैं, अब हम अगले में आते हैं, ये है आपका क्या इंसर्ट कैप्शन, बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन है, इसके लिए आप पहले यहाँ चलते हैं, हम लोग रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट कर देते हैं, एक पेज खाली छोड़िए चूंकि आप कुछ और वहां लेना है। अब इस पेज में हम यहाँ नीचे एक फिगर ले लेते हैं, फिगर हम वैसे भी ले सकते हैं लेकिन वो फिगर लेंगे तो उसको लाने में समय लगेगा, दूसरे में चलते हैं, यहाँ भी एक फिगर ले लेते हैं, ठीक है तीसरे में चलते हैं, कोरोना, कोरोना का भी एक फिगर लेते हैं,
इसका नाम सुनते ही हालत खराब हो जाती है। इसका इतना विचित्र फिगर तो है भी नहीं जैसा इसका टीवी में दिखाया जाता है। फिलहाल ये ले लेता हूँ, बादल ही है जो इसको बढ़ा रहा है, और ये आपके ठीक है हो गया। अब हम अब फिगर तीनों में ले लिए ना, क्योंकि फिगर से ही यूज होंगे। अब पहले फिगर पर आप चलते हैं और अभी हटाइए, डिफरेंस में चलते हैं, और ये क्या है आपका इंसर्ट कैप्शन। पहले फिगर पर क्लिक करिए, इंसर्ट कैप्शन पर चलते हैं हम लोग, और यहाँ पर फिगर का नाम देते हैं। ये फिगर क्या है, ये कंप्यूटर का फिगर है। अरे आप मत सोचिए कि कंप्यूटर कहाँ दिख रहा है आप ऐसा मत सोचिए कि ये मैंने एग्जाम्पल एक्चुअल कंप्यूटर फिगर लाऊंगा तो बहुत समय लगेगा, ये वीडियो और लंबी हो जाएगी। ये केवल आपको समझाने की जरूरत है, एक्चुअल हम कुछ नहीं कर रहे हैं, आप अच्छे से करिएगा। और यहाँ पर हमने कर दिया नेटवर्क, नेटवर्क ठीक है, और ये और इंसर्ट कैप्शन, इसको क्या डाल देते हैं, कोरोना, डेंजर कोरोना डाल देते हैं, क्योंकि वास्तव में ये बहुत खतरनाक है, इससे खराब कुछ चीज नहीं है आज के डेट में। इसने वो कर दिया जिसने आज तक जो आज तक किसी ने नहीं किया, सबसे खतरनाक बीमारी है, स्टे एट होम ही इसके लिए सबसे उचित रास्ता है। ठीक है, तो यहाँ कर दिया हमने और ये हो गया। अब तीनों फिगर, अब इस फिगर का मुझे इंडेक्स, ऐसे जितने फिगर हैं, इससे पहले आपने देखा कि पेज का इंडेक्स बना था, अब इस फिगर का इंडेक्स बनाना है, बहुत बेहतर ढंग से आप बना सकते हैं। बस यहाँ चलना है आपको, और अब इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर पर आपको क्लिक कर देना है। इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर पर क्लिक करिए, ये देखिए अब करा कैसे चाहिए, यहाँ पे लाइन वाइज चाहिए, डॉटेड लाइन चाहिए, फुली लाइन चाहिए, जो भी डॉटेड लाइन ही चाहिए। ओके, डॉटेड लाइन आ गया। अब ये कंप्यूटर का फिगर पेज नंबर 2 पर, नेटवर्क पेज नंबर, कोरोना का फिगर देखते हैं, कंट्रोल क्लिक करिए, ये देखिए सीधे कोरोना पहुंच गया। आप देखा आपने, है ना मजेदार। फिर आप कंप्यूटर पहुंचना है कंट्रोल, सीधे कंप्यूटर फिगर पहुंच गए, बहुत जबरदस्त ऑप्शन है, आपको अच्छा लग गया होगा, मजा भी आएगा उम्मीद करते हैं। और इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर में ये दिया है, हमको चाहिए कि नहीं सीधी लाइन मिल जाए। ओके, यस यस, ये देखिए सीधी लाइन जैसा आपको दिख रहा है, डॉटेड नहीं दिख रहा है ना, जबरदस्त। ठीक है, ये आपको हो गया, चलिए इसको हम डिलीट भी कर देते हैं। अब देखिए सब तो डिलीट नहीं हो गया, ओहो सब डिलीट हो गया, कंट्रोल जेड, केवल इसको सेलेक्ट करते हैं, इंसर्ट कैप्शन में चलेंगे, सॉरी इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर में चलेंगे, कहीं दिया है रिमूव फिगर के लिए, दिया है नहीं दिया है तो केवल इसको सेलेक्ट करें, बाकी नहीं सेलेक्ट है ना, हाँ ठीक है। अब क्रॉस रेफरेंस क्या होता है, अगर हमको वही चीज ये जो पेज नंबर वाइज नहीं चाहिए, हमें देखना होगा कितने फिगर हमने यूज किया, तो क्रॉस रेफरेंस पर चलिए, यहाँ से फिगर हाइपरलिंक सब देख सकते हैं। फिलहाल हमने यहाँ केवल फिगर ही यूज किया है, फिगर हेडिंग भी देख सकते हैं, हेडिंग दिया होगा तो हेडिंग देख लेते हैं, कितने हेडिंग है, ये देखिए कंप्यूटर नेटवर्क कोरोना इनपुट डिवाइस, अब बिब्लियोग्राफी वगैरह, इतने हेडिंग हैं, आप इसको यूज भी कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं सारे हेडिंग, नेटवर्क हेडिंग, देखिए बगल बगल हो रहा है, ये काम करते हैं पहले यहीं से अलग कर देते हैं, और कोरोना की हेडिंग। अब देखिए इसका ये भी बहुत मजेदार है, कंट्रोल दबाइए, क्लिक करिए, सीधे कोरोना पहुंचेंगे, बहुत तेज एक्सेस करता है ये, बस आगे आपको पेज नंबर नहीं दिखेगा, बाकी काम तो एकदम उससे भी तगड़ा करेगा। क्रॉस रेफरेंस में देखिए, और हमें फिगर का जानना था, तो फिगर 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 कहाँ चला गया, ये फिगर, ये देखिए ये तीनों फिगर हैं, इंसर्ट, अब देखिए स्पेस फिगर 2 इंसर्ट, अब केवल दो ऑप्शन ये बचे, ठीक है, मार्क एंट्री बचा, मार्क सर्टिफिकेशन बताया,
अब ध्यान से देखिएगा, ये भी अभी आप देखेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, मजा आ जाएगा। अब मार्क एंट्री में और साइटेशन में क्या, ये भी कुछ उसी टाइप से आपके मार्क एंट्री करता है। जैसे आप मार्क एंट्री पे क्लिक करेंगे, जैसे एक आप एक हेडिंग ले लिए, अब आपको क्या बताएं, ये कंप्यूटर चले और यहाँ मार्क एंट्री पे क्लिक कर दिए मार्क, अगल बगल ये गाजू माजू आ जाएगा, इसके लिए आप परेशान मत होइएगा, ये भी हट जाएगा। फिर नेटवर्क मार्क, ठीक है, उसके बाद कोरोना मार्क, क्लोज, ठीक है, ये मार्क हो गया। इसे आपको हटाना हो तो आप, जैसे ये आपको दिख रहा है ना आलतू फालतू दिख रहा है, ये सब क्या आपको दिख रहा है, क्लियर हो ना कि ये सब क्या आ गया है, ये सब ये हटाना है तो आप परेशान मत होइए, इसके लिए आप सीधे होम में जाइए, ये पैराग्राफ टैग होता है इसको हटा दीजिएगा, सब नॉर्मल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ आ गया, अब यहाँ पर इंसर्ट इंडेक्स, कैसे इंडेक्स इस टाइप से करना है, फ्रॉम टेम्पलेट ग्रुप में करना है, ओके कर दीजिए। ये देखिए आ गया कंप्यूटर पेज नंबर 2 पर, कोरोना पेज नंबर 4 पर, नेटवर्क पेज नंबर 3 पर, इंडेक्स क्यों नंबर बन गया है, सिंपल मार्क एंट्री करके बना है। इसको और भी अलग ढंग से आप देख सकते हैं, जैसे दिखाता हूँ, यहाँ चलिए इंसर्ट में, यहाँ पर है फ्रॉम टेम्पलेट दिया है ना, इसे क्लासिक करिए, क्लासिक, ठीक है, फिगर रोमन नहीं है, क्लासिक कर, ये देखिए फिगर 1 के साथ, फिगर 2 के साथ, फिगर 3 के साथ, ऐसे कई ढंग से आप देख सकते हैं। ये अपडेट करना, अपडेट भी कर सकते हैं इसमें। अब ये देखिए ये क्या है, मार्क साइटेशन, इसमें यही चीज आपको देगा, कैटेगरी वाइज देगा। इसके लिए पहले आप यहाँ चलिए, पहले यहाँ कैटेगरी बना लीजिए, इसमें कुछ कैटेगरी देखिए पहले से बनी है, और कुछ अगर कोई नई कैटेगरी आपको बनानी हो ना, तो आपको जानते क्या करना पड़ेगा, जो पहले से बनी है, जैसे केसेस कैटेगरी है, इसी को रिफ्रेश कर लीजिए। मान लीजिए मुझे कैटेगरी बनानी है माउस, एक कैटेगरी बनानी है कोरोना, कोरोना, कोरोना कैटेगरी बनानी है, ठीक है ना, ये कोरोना कैटेगरी आप बना सकते हैं, ठीक है। और फिर कैटेगरी में चलिए, मान लीजिए आपको स्टेटस कैटेगरी है, इसको हटा के आपको बना कैटेगरी यहाँ बना, कोरोना हो गया, नेटवर्क बनानी है, नेटवर्क रिप्लेस कोरोना बना था कि नहीं बना था, बोला था कोरोना बना नहीं, क्योंकि मैंने रिप्लेस पर क्लिक नहीं किया था। यहाँ से फिर चले कोरोना रिप्लेस, ठीक है, ये हमने कैटेगरी बना दिया, ये पहले बना लीजिएगा। और इसको और अच्छे से समझना है तो आप एक नया पेज ले सकते हैं, फाइल पर चलिए, एक या कंट्रोल ए करके डिलीट कर दीजिए, पूरा साफ हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर क्या होता है कि अब हम जैसे यहाँ चले गए और हमने यहाँ कुछ एंट्री दे दिया, जैसे हमने यहाँ डाल दिया, मान लीजिए हमने यहाँ डाल दिया ब्रिज, बी आर आई डी जी ई ब्रिज, राउटर लैन डाल दिया, मॉनिटर लैपटॉप पॉम टॉप डेंजर एंड मर्डरर एंड नॉट गुड, कुछ भी बना सकते हैं, मर्जी आपकी है, ठीक है, ये हमने बना लिया। अब हमने बना लिया, अब चाहिए तो उसको अलग अलग पेज पर भी कर सकते हैं, जैसे कि हम तो सब एक ही पेज पर कर दिए तीनों फिलहाल, चलिए मैं डिलीट कर देता हूँ, अलग अलग चीजें अलग अलग पेज पर हैं तो ज्यादा अच्छा लगेंगे। फिलहाल मर्डर या नॉट गुड एक ये है, इसे मॉनिटर ब्रिज केवल किया हम, अब कंट्रोल एंटर और बाकी अगले पेज पर बनाता हूँ। यहाँ था राउटर, राउटर समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, और डेंजर नहीं था ना, नहीं राउटर डेंजर, और यहाँ पर मान लीजिए हमने डाल दिया पंप टॉप, ठीक है, आइए
कंट्रोल हिट, अगले पेज पे चलते हैं। यहाँ पे लिखते हैं लैन, यहाँ पे लिखते हैं वेरी बैड, यहाँ डाल देते हैं जायंट, JIANT, और डाल देते हैं जायंट और कुछ और डाल देते हैं लैन, जब भी लिखना चाहिए कैप्टन लिखना चाहिए LAN जायंट, ठीक है, और डाल देते हैं कुछ, क्या डाल दें, कंप्यूटर का कोई और PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, चलिए इनका हमें बनाना है, ठीक है। तो अब चूंकि कैटेगरी वाइज मैंने ऐसा कैटेगरी लिए मैंने किया, अभी आप समझ भी जाएंगे क्यों मैंने ऐसा किया। अब जैसे हमें ब्रिज को, ब्रिज सेलेक्ट करिए, मास एड्रेशन चलिए, अब एंट्री मारनी है ब्रिज की, तो पहले कैटेगरी ले लीजिए, ब्रिज क्या है, किस कैटेगरी का है, नेटवर्क का है, कैटेगरी क्या है, नेटवर्क, और इसे कर दीजिए मार्क, ठीक, इसके आगे ध्यान मत दीजिए। मॉनिटर की कैटेगरी क्या है, मॉनिटर, मॉनिटर मॉनिटर कैटेगरी क्या है, मॉनिटर ये है आपका कंप्यूटर की है कि नहीं, इसमें कंप्यूटर, कंप्यूटर मार्क क्लोज। लैपटॉप ये भी क्या है, कंप्यूटर लैपटॉप मार्क क्लोज। मर्डरर, हत्यारा कौन है, मर्डरर है आपका, नाम से ही जान गए होंगे आप, मन में आ गया होगा कोरोना, और मार्क क्लोज। अब आते हैं अगले पेज, रूटर, अगेन मार्क सेटेशन, रूटर ये आपका है नेटवर्क, मार्क क्लोज। डेंजर, क्या डेंजर है, बहुत डेंजर है, आपके मन में होगा कि बहुत डेंजर है, क्या नहीं बहुत डेंजर है, कोरोना, कोरोना मार्क क्लोज। अब आइए पाम टॉप, मार्क सेटेशन, पाम टॉप क्या है, कंप्यूटर है, मतलब जो जिस कैटेगरी में आपको रखना है आप रख सकते हैं, मर्जी आपकी है, बस रिलेटेड कैटेगरी रखिए, ऐसा मत रखिए कि जो आइए लैन, लैन क्या है, अरे भाई लैन सब जानते हैं नेटवर्क है, आप भी जानते हैं, मार्क क्लोज। जायंट, दैत्य कौन है, सब पूरी दुनिया जान रही है इसमें दैत्य कौन है, ठीक है, तो कोरोना है, मार्क क्लोज। पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ये भी एक प्रकार से मोबाइल फोन कहा जाता है, कंप्यूटर का ही प्रकार है, और ये है कंप्यूटर मार्क क्लोज। ये सब जो आपको दिख रहा था काजू बाजू हटाने के लिए, यहाँ चलिए हटा दीजिए, अब आपको एकदम नीचे वैसा ही दिखेगा जैसा था, कुछ अंतर नहीं दिखेगा, केवल आ जाता है। अब यहाँ पर चलना है आपको, रेफरेंस चलना है, इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटी करना है, यहाँ पर अलग अलग ढंग से दिख रहा है, क्या कैसे सेट करना है, ठीक है, ओके। ये देखिए है ना मजेदार, बहुत मजेदार, कंट्रोल, ये देखिए दिख रहा कैसे दिख रहा है, बहुत ही मस्त है, मजेदार। कोरोना डेंजर पेज नंबर, कोरोना के ये तीन टॉपिक है, डेंजर पेज नंबर 3 पर दिया है, जायंट पेज नंबर 4 पर, मर्डर 2, नेटवर्क के बारे में ब्रिज पेज नंबर 2 पर दिया है, लैन 4 पर दिया है, राउटर 3 पर दिया है, लैपटॉप 2 पर, मॉनिटर 2 पर, पाम टॉप 3 पर, और पीडीए 4 पर दिया है। इन सबको डिलीट करना है, यहाँ चलना है, सॉरी इंसर्ट टेबल में चलना है, और इसे और भी अच्छे ढंग से देखना है, क्लासिक टेबल लीडर ये, ओके, कुछ अलग दिखा, कोई खास नहीं, चलिए फिर से देख, फिर से यहां देखते हैं, अलग अलग डिजाइन है बताने को, अच्छा यहाँ पर हम लोग कर देते हैं क्लासिक, क्लासिक कर देते हैं, ओके। आपको करेंगे तो कुछ ना कुछ आपको अंतर दिखेगा, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं देखिए, वो डिजाइन है आपके, अपडेट कर देंगे तो सेम वैसे काम करेंगे जैसे मैंने आपको इसमें बताया था। टोटली रेफरेंस टैब पूर्ण खत्म हो गया, हमें उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, बहुत ही मजेदार टैब है, आपको भी अच्छा लगा होगा मेरा पूरा उम्मीद है, और कहीं पर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं,
मैंने सभी टैब बताने की पूरी कोशिश किया है, कोई दिक्कत हो तो आगे आपको फिर से बता दिया जाएगा। आप इसको करके अवश्य देखिए, बहुत ही मजेदार टैब है। और इस टैब में हर वो ऑप्शन है जो केवल एमएस वर्ड में ही पाए जाते हैं, अन इसके अदर ऑफिस पैकेज में नहीं पाए जाते। ठीक है, ओके, एक बार रिपीट कर लीजिएगा, वीडियो एक बार ना समझ में आया तो एक बार रिपीट करके फिर से देख लीजिए, अवश्य समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स पर लिखिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक मिल सके। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।